गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग, इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग ओके, क्लियर? चलो शुरू करें. ओके, ठीक है. सो अपना आज का टॉपिक क्या है? अपना आज का अभी बताओ यार, अभी आया है? अभी आया है? ऑल क्लियर? नेट का कुछ इशू था, पता नहीं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. ऑल गुड? ओके ओके, ठीक है. ओके ओके, यस यस, ओके. सो आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक है AMR. कहोगे मैम अब गजब गजब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. पिछला स्पेशल का क्लास आपने लिया था NTD पर, आज आप ले रहे हैं AMR. NTD क्या था अपना? NTD क्या था? NTD था अपना नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. और AMR क्या है? AMR क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. हिंदी में बात करें तो जीवाणुरोधी प्रतिरोध. ठीक है, हिंदी में बात करें तो जीवाणु नहीं, रोगाणुरोधी प्रतिरोध. ठीक है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध. ठीक है, अब ये क्या है, ये क्यों है, ये किस वजह से होता है, इसके होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर होता है तो फैलता कैसे, और बहुत बहुत सारी बातें. ठीक, अगर आप AMR को देखोगे तो AMR बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है हमेशा. ठीक है, हमेशा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है. आए दिन इस पर कुछ ना कुछ रिपोर्ट पब्लिश होती है, ठीक है, जो कि आपको ये बताती है कि किस प्रकार से AMR फैल रहा है. AMR है क्या, क्यों फैल रहा है, सब पर चर्चा करेंगे. ठीक, ओके. इम्पोर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि अगर गला खराब होता है या कुछ भी होता है तो तुरंत हम लोग फटाफट से एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं ना. हम सबके साथ ये है कि अगर गला खराब हुआ, खांसी हुई, दो दिन ठीक नहीं हुआ तो तीसरे दिन जाते हैं और एजिथ्रोमाइसिन फटाफट से ले लेते हैं. यस, क्या वो अच्छा करते हैं हम लोग अपने साथ? अपने साथ बहुत बुरा करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब आपकी बॉडी को सही में ज़रूरत होगी ना, सही में ज़रूरत होगी, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त काम नहीं आएगी आपकी ये दवाइयाँ. उस वक्त आपकी ये दवाइयाँ काम नहीं आएंगी. ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो विश्व भर में इंडिया को AMR कैपिटल के नाम से जाना जाता है. इंडिया को क्या जाना जाता है? AMR कैपिटल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कैपिटल माना जाता है इंडिया को. ठीक है, ओके, राइट. अब आपको जानना यह है कि मैम इसके ये एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल होता क्या है ना, एंटी माइक्रोबियल होता क्या है? तो हमने शब्द आपके सामने क्या लिखा, एंटी माइक्रोबियल. मैंने एंटीबायोटिक नहीं कहा, मैंने आपको कहा एंटी माइक्रोबियल. हिंदी में इसको कहते हैं रोगाणुरोधी, रोगाणुरोधी.
मतलब जो क्या करे, जो रोगाणुओं का विरोध करे, यानी माइक्रोब्स का विरोध करे। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो इनसे लड़ने के लिए हम जो भी दवाइयां खाते हैं, हम एंटीबायोटिक खाएं, एंटी प्रोटोजोआ वाली कोई दवाई खाएं, एंटीवायरल दवाई खाएं, एंटी फंगल दवाई खाएं, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद वो हम पर असर नहीं करती। आप एंटीबायोटिक किस मंशा से खाएंगे कि आपको बीमारी से आराम मिले। अगर आप शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण है तो आप जीवाणु रोधी खाएंगे, विषाणु का संक्रमण है तो विषाणु रोधी खाएंगे, है ना। किस मंशा से खाओगे, मंशा से इसीलिए खाओगे, क्यों, क्योंकि भाई वो अंदर मर जाए, है ना, जो भी बैक्टीरिया आपको बीमारी कर रहा है वो क्या हो, वो अंदर ही अंदर मर जाए, इस मंशा से आप क्या करेंगे, दवाइयां खाएंगे। लेकिन होता क्या है, हो क्या रहा है आजकल, हो ये रहा है कि जब आपको जरूरत है, जब आपको जरूरत है कि वो आप पर काम करे, तो आप पर काम ही नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि आपके जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, उन सब के शरीर में प्रतिरोध पैदा हो गया है। आजकल देखते हो हम लोग ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उससे मच्छर तुरंत मर जाता है, ये सबने नोटिस किया होगा। आजकल ऐसा नहीं है कि ऑल आउट लगाते हैं तो मच्छर तुरंत मर जाते हैं, नहीं होता ऐसा, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने रेजिस्टेंस बना लिया है अपना, ठीक है, शरीर में क्या बना लिया है, प्रतिरोध बना लिया है, ठीक है। ओके, तो एक पॉइंट के बाद चल के क्या होता है कि आप दवाइयां खा रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में ये जो भी रोगाणु हैं ये काम ही नहीं कर रहे, मतलब ये मर ही नहीं रहे, ठीक है, ये मर ही नहीं रहे। अब ये मरेंगे नहीं तो क्या होगा, तो आप दवाई पर दवाई खाते रहोगे और उसका कोई असर कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिक फंडा आपको ये समझना है। कोई आपसे पूछता है कि एएमआर क्या है ना, एएमआर क्या है, क्या हो गया यार, एक सेकेंड, कोई भी आपसे पूछता है कि एएमआर से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलोगे कि जब हम किसी भी रोगाणु को मारने के लिए कोई दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रोगाणु उस दवा के लिए प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, यानी कि दोज माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस, दे डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ओके, और इस वजह से आप क्या देखते हो कि बीमारी लंबे समय तक खींचती रहेगी। इनफैक्ट बताया गया है कि कितनी मिलियन डेथ्स हो जाती हैं, है ना, इंडिया में भी आंकड़े बताते हैं कि 50,000 जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो नवजात होते हैं, उनकी भी डेथ हो रही है इस वजह से। आप कहोगे मैम इससे डेथ कैसे हो सकती है, इससे डेथ कैसे हो सकती है, क्या लगता है इससे डेथ, इसका और डेथ का क्या लेना देना है, इससे डेथ कैसे हो सकती है, यार नेट का इशू आ रहा है, नेट का इशू हो रहा है बार बार। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, यस। तो हम